18 दिसंबर 2006 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था दिल्ली और कर्नाटका के बीच। कर्नाटका ने पहली पारी में 446 रन का पहाड़ दिल्ली के सामने रख दिया था। दिल्ली की बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत खराब रही और उनका स्कोर 14-4 था। तब आए बल्लेबाजी करने अपना पहला रणजी सीजन खेल रहे 18 साल के विराट कोहली। विराट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे पुनीत भी। वो और पुनीत ने दिन के खेल के अंत तक बल्लेबाजी करी जिसमें विराट का स्कोर 40 पे नाबाद था। दिल्ली अभी भी मुश्किल में थी और उनका स्कोर 103 था और फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी बहुत रन बाकी थे। लेकिन उस रात विराट की जिंदगी उथल पुथल हो गई। विराट के पापा 54 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए। तब करीब सुबह के 2 बज रहे थे। इस खबर ने विराट को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अगले दिन खेलने जाना चाहिए या अपने पापा के अंतिम संस्कार पे जाना चाहिए। जब ये खबर ड्रेसिंग रूम में पहुंची तब अगले बल्लेबाज चैतन्य नंदा को बैटअप करने को कहा गया और बोला गया कि विराट बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। पर कुछ देर बाद विराट को ड्रेसिंग रूम में देखकर सबके सब हैरान रह गए। विराट आए और उन्होंने कहा कि वो बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने 90 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 238 गेंदें खेली और 281 मिनट तक वो क्रीज पे डटे रहे। ये 90 रन की पारी दिल्ली को मैच बचाने में सफल रही। 12 बजे के करीब विराट आउट हुए। ड्रेसिंग रूम में आए, अपने डिसमिसल का रिप्ले देखा और बड़ी शांति से अपने पैड्स खोले और अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए चल दिए। ये कहानी एक मिसाल है कमिटमेंट की, डेडिकेशन की। उनकी माँ कहती हैं कि विराट उस दिन से पूरा बदल गया। वो एक ही रात में बहुत मैच्योर बन गया। वो हर मैच सीरियसली लेने लगा। उसकी दुनिया क्रिकेट बन चुकी थी और उसने अपने पापा के सपने को अपना बना लिया था। आज हमें विराट कोहली का स्टार्डम दिखता है, पैसा दिखता है, ग्लैमर दिखता है, पर उसके पीछे कितने सेक्रीफाइसेस, प्रैक्टिस और मेहनत उन्होंने करी है इस मुकाम को पाने के लिए, ये हमें नहीं दिखता। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।